अली और उस्मान के स्कूल की छुट्टी है। अली और उस्मान जो है ना, यहाँ छत पर ही भटक रहे हैं। और अली ये रहा मेरे सामने खड़ा, मैं अली को बुलाता हूँ। अली से पूछते हैं कि अली क्या कर रहा है ऊपर? इधर आओ अली, छत पे क्या कर रहे हो? कह रहे कि मैं यहाँ पे बकरियों को घास डालने आया था, तो बकरियों को अली घास डाल रहे हैं यहाँ पे। और बाकी चलते हैं हम अगली वीडियो की तरफ। और मुर्गियों मुर्गियों को दाना डालते हैं। ये देखो इसका काम चेक करो, ये गुजर कहाँ से रहा है? इतना बड़ा दरवाज़ा दिया है उधर, फिर भी ऊपर से गुजर रहा है। हरकतें चेक करो इनकी। और ये देखो, ये उस्मान बकरियों को नहला रहा है, ये वाला बकरा भी नहलाएगा और वो दूसरा वाला बकरा भी नहलाएगा। इतवार को फिर हम लोग बकरों को गंजा कर देंगे, सारे बाल उड़ा देंगे इनके। मैं आपको इतवार पर इन वीडियो में दिखाऊंगा कि बकरों को गंजा कैसे करते हैं। बकरों को गंजा करने के लिए भी एक मशीन आती है, उससे गंजा करते हैं। मोहम्मद भाई, यहाँ पे कोई ऐसा कलर करना था जो मेला ना हो। इस पे तो सारे बकरियाँ टेक लगाती रहती हैं, तो कुछ तो सारी गंदी हो जाएंगी दीवारें। तो उस्मान ने बकरे नहला दी, बकरियों ने अभी तक भी ऐसा लगता है टट्टी करी हुई है, सारा कलर लगा रहा है उनके ऊपर। ये देखो सीन, देखो ये देखो। लेके भी जो कलर लगा हुआ है अभी, दीप को भी रगड़ रहे हैं लोग। फायदा नहीं है रगड़ने का, उसका भी कलर लगा रहेगा। संडे वाले दिन हम इनको गंजा कर देंगे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी इस वीडियो को और बाकी पिछली सारी वीडियोस को जो है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा चैनल को। बाकी थैंक यू, अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत सेहत दे और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।